हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 3 को, और लेसन नंबर जो 3 है ये है टिप्पण का सामान्य परिचय। तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्पण के ऊपर। अब नाम से तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि टिप्पण एक्चुअल में है क्या, बट आज के इस क्लास में मैं आपको कम्प्लीटली इसी के ऊपर डिस्कस करके आपको समझाऊंगी कि टिप्पण होता क्या है, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, जो कि आज के इस लेसन में आपको डिस्कस करके सारी चीज़ों को क्लियर करवा दूंगी और पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस क्लास का हमारा यही टॉपिक है, इसी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से स्टार्ट है हमारे चैप्टर आउटलाइन, मतलब कि आज के इस लेसन में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस लेसन को कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वन बाय वन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हो अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले फर्स्ट दे रखा है 3.1, मतलब कि अधिगम का उद्देश्य। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो इस लेसन को पूरा कम्प्लीटली समझने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी आज की प्रस्तावना से। प्रस्तावना में हम डिस्कस करेंगे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में कि आज के इस लेसन का जो हमारा टॉपिक है टिप्पण, तो ये है क्या एक्चुअल में, मतलब कौन सा टॉपिक है जो कि इस चीज़ के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट कर दो अपनी क्लास को कि प्रत्येक कार्यालय में, मतलब कोई भी जो ऑफिस है, कोई भी जो कार्यालय है जहाँ पर कोई भी कामकाज किया जाता है, उसमें विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थानों से समय समय पर है जो पत्र जो है आते रहते हैं। अब देखो, कोई भी जो ऑफिस है, अब जिस भी जो भी ऑफिस है उसमें जो भी काम किया जाता है, तो उससे रिलेटेड, मतलब कि उनके ऑफिस का जो मेन काम है, चाहे किसी भी फील्ड में मान लो, चाहे अकाउंट के फील्ड में या जिस भी तरीके से, आप एग्जांपल के लिए बस मान के चलो कि जिस भी फील्ड में उनका काम चल रहा है ऑफिस में, तो उस ऑफिस में उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लेटर आते रहते हैं, चाहे वो लेटर किसी भी तरीके से रहे, किसी दूसरे ऑफिस ने उनको भेजा हो या किसी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके कामकाज से रिलेटेड काफ़ी सारे पत्र आते रहते हैं। तो इन पत्रों के उत्तर भी तो भेजे ही जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी ने हमें कोई लेटर भेजा है, मान लो आप छोड़ो, अभी ऑफिस की छोड़ो, आप एग्जाम्पल के लिए समझ के देखो कि आपके घर पर कोई लेटर आया, मान लो आपका फ्रेंड में या आपकी फैमिली में से किसी ने एक लेटर भेजा आपको, तो आप उसको पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि हाँ मुझे इसका जवाब देना चाहिए, तो आप उसका उत्तर दोगे ही दोगे। तो सेम इसी तरीके से मान लो कोई भी जो कार्यालय है, कोई भी जो ऑफिस है, मान लो उनके पास में कोई भी लेटर आता है, कोई भी पत्र आता है, तो वो अगर लगता है कि इसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है, या हो सकता है ज़रूरी ना भी हो, तब भी उसका रिप्लाई देना एक नॉर्मल चीज़ है, देना भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारे पास में लेटर आता है, इन सभी पत्रों के उत्तर भी जो है वो हमें भेजे जाते हैं। तो जब भी कोई किसी भी कार्यालय में पहुंचता है, मतलब कोई भी जो ऑफिस है जहाँ पे कोई भी जो इस तरीके से लेटर आता है, तब उसके साथ में एक ऐसा सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, मतलब ये मान सकते हो एक पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है वहाँ से, जहाँ से उसके निपटान तक लगातार चलता रहता है। निपटान का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आपके पास में कोई लेटर है, जब तक हम उस लेटर को पढ़ेंगे नहीं, उसमें देखेंगे नहीं कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, और उसको पढ़ने के बाद में हम समझ जाएंगे, और जब हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे सारी चीज़ों से, देन उसके बाद में हम रिप्लाई करेंगे, मतलब कि हम उनको वापस से पत्र लिख के भेजेंगे जो भी हमें कहना होगा। तो यहाँ से क्या है, एक प्रोसेस चालू हो जाता है एक तरीके से, कि पहले हम उस लेटर को खोलेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर उसको थोड़ा सा समझेंगे, अगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो, या किसके बारे में है उसको पहले हम पढ़ के समझ लेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हाँ चलो हम भी इसका रिप्लाई करते। तो एक प्रोसेस बन जाता है, एक पूरा कार्य बन जाता है। जब किसी भी पत्र आदि में देखोगे, टिप्पण के निपटान के लिए कोई भी जो कार्यवाही की जाती है, इसी को बोलते हैं हम टिप्पण कार्य। तो यहाँ तक कि जितना मैंने आपको बताया है 3 मिनट में, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या समझा कि टिप्पण कार्य होता क्या है, कि जब भी हमारे पास में कोई भी लेटर आता है, तब उस लेटर को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, अगर कोई भी कार्यालय, कोई भी ऑफिस उसका जब रिप्लाई करता है, उसका जवाब देता है, जिसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं, कि जब उसका वापस में लेटर से भेजता है, और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, जब लेटर को लेने से लेके वापस में मैसेज भेजना होता है, रिप्लाई भेजना होता है, इसी पूरे कार्य को बोलते हैं टिप्पण कार्य। तो आज के इस लेसन में यही हमें चीज़ को पढ़ना है कि टिप्पण एक प्रक्रिया बन जाती है, पूरा प्रोसेस बन जाता है, जहाँ पर इसका प्रतिफलन रूप भी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दफ्तरों में जितने भी ऐसे दफ्तर है जिनका अपना अपना काम रहता है, तो इन सभी दफ्तरों के कार्यवाही में जो टिप्पण की एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रहती है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, मतलब कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते एक तरीके से। तो ये पूरा हमारा टॉपिक है आज की इस क्लास का। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि टिप्पण होता क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारी टॉपिक, मतलब कि जो देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये फालतू चीज़ नहीं था, आपके टॉपिक से रिलेटेड था,
जब कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी लाइन भी लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं था। ये प्रस्तावना में इसलिए दिया जाता है ताकि थोड़ा सा हमें पता चल सके कि इस लेसन में हम किस किन चीज़ों के या किन मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं मेनली कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से देखो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टिप्पण का अर्थ एवं स्वरूप। तो ये जो वर्ड है टिप्पण, इसका मतलब है संस्कृत की टिप धातु में जो ल्यूट है मतलब कि अन लगाकर जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं टिप्पण। और टिप का अर्थ होता है भेजना, और पूरा हम क्या कह सकते हैं कि टिप्पण का अर्थ है टीका, मतलब कि जो भेजे जाने वाली टीका के संबंध में किया जाने वाला कोई भी क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का मतलब क्या है कि हमने कोई भी जो काम को किया, पूरा जो हमारा तरीका था, तौर तरीका था काम करने का, पूरा जो प्रोसेस था, तो हम इसको वन लाइन में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी लेटर आया, कोई भी पत्र आया, उसके रिगार्डिंग हमने कोई भी रिप्लाई कर दिया, फीडबैक कर दिया, जवाब दे दिया, या हमारा मन कर रहा है कि हम उस लेटर को मतलब कि जवाब में कुछ ना कुछ बोल के वापस उनके पास में एक पत्र भेज दें, तो यही पूरा कहलाता है हमारा टिप्पण। तो यहाँ पर देखो टिप्पण जो वर्ड है मतलब ये जो शब्द है इसका प्रयोग जो है मतलब इसको यूज़ जो है अंग्रेजी में मतलब कि इंग्लिश में नोटिंग शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता है। मतलब कि नोटिंग के जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। मतलब हर एक दफ्तर में जो अलग अलग व्यक्ति हो गए या संस्थानों में समय समय पर काफ़ी सारे लेटर तो आते ही रहते हैं। अगर आप देखोगे भी थोड़ा सा आपने, अगर आप अभी तक मान लो अगर आपने जॉब नहीं किया तो आगे जाके आप देखोगे, या आपने अपने किसी फ्रेंड सर्कल में अपने सिस्टर या ब्रदर के देखा होगा कि जिस भी ऑफिस में वो काम करते हैं तो उनसे आप कभी पूछ के देखना कि उनके ऑफिस में उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लेटर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। चलो एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बता देती हूँ। मान लो कोई ऑफिस है जिनका जो काम है बिजली से रिलेटेड, कोई भी जो मान लो लोग जो जाके वहाँ पे समस्या बताते हैं, इसको सुविधा मतलब उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये उनका मेन काम है। तो है किससे रिलेटेड वो ऑफिस, वो कार्यालय जो है वो रिलेटेड किससे है, बिजली से। तो यहाँ पे देखो जो भी बिजली विभाग है वो समय समय पर उनको नोटिस भेजेंगे, उनको लेटर भेजेंगे कि उनको किस तरीके से काम करना है, या उनको कौन कौन सी मान लो कोई भी चेंजेस करते हैं विभाग वाले तो उनको समय समय पर सूचना देते रहेंगे ताकि वो टाइम के साथ में अपडेट रह सके। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है, मैं आपको कंप्लीटली अब एक लाइन में डिफाइन कर दूँ कि किसी भी कार्यालय में कोई भी पत्र आता है उसका जवाब देना ही टिप्पण कहलाता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ में देखो जब भी जो कोई पत्र है किसी संस्था में आता है तो इसके साथ ही एक ऐसा पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो कार्यवाही है वहीं से शुरू हो जाता है, और जब तक वो पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक ये लगातार मतलब कि निरंतर रूप से बिल्कुल चलता ही रहता है। तो जब किसी भी पत्र आदि के निपटान के लिए कोई भी जो कार्यवाही की जाती है, कोई भी जो काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम टिप्पण कार्य। तो यहाँ पे टिप्पण कार्य जो है बिल्कुल अलग अलग अधिकारियों की सीढ़ियाँ पार करता हुआ चलता है। जैसे कि सबसे पहले देखो कोई भी जो लेटर है पहले टॉप लेवल के जो भी वहाँ पर काम करने वाले पर्सन होंगे, अधिकारी होंगे, पहले उनके पास में आएगा, वो उस लेटर को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें है क्या क्या बताया गया। उसके बाद में वो मान लो अपने से नीचे वाले मतलब कि मिडल लेवल वाले अधिकारी को दे देंगे, फिर मिडल वाले देखेंगे, उनको लगेगा कि ये चीज़ जो है बिल्कुल जो हमसे नीचे मतलब कि हमारे जो जूनियर है हमें उन तक भी पहुंचाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे अपने से जूनियर वाले को लेटर भेज देंगे। तो इस तरीके से क्या है वो बिल्कुल सभी अधिकारी के पास में चलता ही रहता है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस इनका चालू हो जाता है। और इन सभी सोपानों को मतलब कि ये पूरा जो स्टेप है इन सभी को पार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मतलब जब ये पूरा मान लो इस तरीके से सारे लोगों को पता चल जाता है उस लेटर के बारे में, तब लास्ट में जाके अपने अपने कोई भी सुझाव हो गए मतलब कि सजेशन हो गए, कोई भी निर्देश हो गया कि उनको लगता है कि हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी निर्देश देना चाहिए, कोई भी ऑर्डर देना चाहिए या कोई भी सजेशन देना चाहिए, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी ये सुझाव देते हैं इन सभी को तथ्यों और सूचनाओं से पुष्ट किया जाता है, मतलब कि अगर उसके साथ में कोई भी सजेशन दिया गया है या कोई भी निर्देश दिया गया तो वो किस बेस पे दिया गया है उसके रिगार्डिंग एक हमारे पास में प्रूफ भी होना चाहिए, या हम अपनी बात को किस तरीके से लोगों के सामने में क्लियर करके बता सकते हैं, तो ये सारे जो है हमें पुष्ट करना होता है। ये लिखित सुझाव या निर्देश जो है वो ये टिप्पण कहलाते हैं। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया है और इसका प्रति जो एक पूरा जो एक प्रतिफलित है ये पूरा रूप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में है
अर्थ एवं परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे इसके अर्थ के बारे में और परिभाषा के बारे में, क्योंकि देखो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपको इसके बारे में नॉलेज तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा क्लासेस के थ्रू, बट अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप बिल्कुल करेक्टली आंसर लिख के आओगे और बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो यहाँ पर देखो हम परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि समय समय पर जितने भी ऐसे विद्वान लोग हैं, ये राजकीय सरकार द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, सरकारी कामकाज से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे निर्देश जो कि टिप्पण के तौर पर या उस टिप्पण के अंदर परिभाषा करके मतलब उसको परिभाषित करके बताने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पे देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो भी एक उनका सचिवालय है, इनके द्वारा तैयार किए गए सेंट्रल जो पूरा इनका जो एक सेंट्रल जो काम किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या हो गया इसका मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर हो गया, इन सभी में टिप्पण की जो भी व्याख्या की जाती है ये पूरा लिखा जाता है। टिप्पण में जो ये सारी चीज़ें हैं ये लिखित रूप से भी बताया जाता है, या बोल सकते हैं कि किसी भी विचारधीन कागज़ के संबंध में लिखी जाती है, क्योंकि ये पूरा जो है पत्र में लिखा जाता है। अब पत्र किस में लिखा जाएगा, कागज़ में ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से पूरे चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है, और पत्र के सार को बतलाते हुए इसके निर्णय में कोई भी सुझाव देना हो, मतलब कि कोई भी सजेशन देना हो, तो यहाँ पे देना ही ये पूरा हमारा टिप्पण है। तो इसके बारे में यहाँ की जो डेफिनेशन है, इनमें से किसी भी एक लाइन को मतलब अच्छे तरीके से आप चाहे याद कर लेना, चाहे उसको समझ के करना, किसी भी तरीके से करना, बट इसके एक परिभाषा को ज़रूर से प्रेफर करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको परिभाषा बताना है, उसके बाद में आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आप समझ जाओगे वो सभी आप लिख सकते हो। लेकिन हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिखोगे, क्योंकि परिभाषा लिखने से एक तरीके से जो चेक करने वाले जो टीचर होते हैं या जो बोल सकते हैं कि एग्जामिनर होते हैं, उनको लगता है कि हाँ आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज है। इसके बाद में ही देखो टिप्पण का जो पूरा उद्देश्य हो गया, मतलब कि इसका जो पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये रहता है कि उन सभी बातों को निर्णय करना होता है, मतलब इन सारी बातों को बताना होता है जो कि हमें स्पष्ट रूप से बताना है, उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। क्योंकि हो सकता है कि हमने जिस भी बातों को यहाँ पे बताया है वो संकेत करता हो, जिसके आधार पर कोई भी जो निर्णय है वो संभवतः है, मतलब कि हो सकता है कि इनकी संभावना है कि इसके बेस पे इसके मतलब आधार पे ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो इस वजह से इसका जो मेन उद्देश्य है कि जिन भी बातों को जिन पर निर्णय करना होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल तर्क आधार पर इन सारी चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही अन्य परिभाषाओं के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि टिप्पण एक लिखित अभिव्यक्ति है, मतलब कि इसमें हम जो भी चीज़ को बताते हैं वो लिखित अभियुक्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिखित के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ में ये जो अभियुक्ति है ये किसी भी कार्यालय में देखोगे विचार, मतलब हमारे जो थॉट है या हम उसमें जो भी चीज़ को बताना चाहते हैं हमारे विचार के ऊपर बेस रहते हैं, इन सभी को प्रस्तुत किसी भी प्रकार के जो भी हमारे कागजात है इसके निपटाने के लिए लिखी जाती है, क्योंकि हम लेटर को किसी के पास तभी भेजते हैं जबकि हमारे उसके पीछे में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके साथ में ही इसमें कोई भी जो विचार को हम प्रस्तुत करते हैं ये भले ही कागजात के बारे में पहले से ही की गई कार्यवाही रहती है, पत्र व्यवहार रहता है आदि का संक्षेप तो हो सकता है, लेकिन विचारधीन समस्या के निपटान के लिए भी काफ़ी सारे हमारे सामने ऑप्शन रहते हैं, विकल्प रहते हैं, तो ये सारे विकल्प भी हमारे सामने में रहते हैं जो कि उसके बारे में बताया रहता है। मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करना चीज़ों को कि जैसे कि मान लो कोई भी लेटर आ गया तो उसमें कोई ना कोई तो हमें चीज़ों को बताएगा, कोई ना कोई कार्यवाही होगा, कोई ना कोई पत्र व्यवहार होगा, हमारे सामने काफ़ी सारे विकल्प रहेंगे कि हम उसको किस तरीके से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, निपटान कर सकते हैं, और सभी विकल्पों का पहले हम विश्लेषण करते हुए मतलब कि एनालाइज करेंगे। हमारे सामने देखो मान लो कोई भी काम है उससे रिलेटेड हमारे सामने चार ऑप्शन है, तो पहले हम एनालाइज करेंगे ना कि हमारे लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है या हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बेहतर है, तो हम पहले क्या करेंगे एनालाइज करेंगे, एनालाइज को हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। तो पहले हम इसको विश्लेषण करेंगे, पूरा निर्णय लेंगे, नियम अधिनियम उसके रिगार्डिंग जो भी नियम रूल रेगुलेशन है कानून है इन सभी का हवाला करते हुए बिल्कुल तार्किक क्रम में, तार्किक का मतलब बिल्कुल लॉजिकल तरीके से प्रस्तुत करते हुए हमें इन सारी चीज़ों को बताना है, जिससे जो भी सुझाया गया हो उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, साथ ही सुझावों पर जो भी अधिकारियों से प्राप्त होगा आदेश निर्देश ये सारे भी जो है इसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टिप्पण क्यों लिखे जाते हैं, अब इसके हम मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे कि टिप्पण को क्यों लिखे जाते हैं।
तो देखो इसके बाद में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आप सोच रहे होगे ना कि टिप्पण की ज़रूरत क्यों रहती है, मतलब इसका ज़रूरत ही क्या है, इसकी निड़ी क्यों है। तो देखो किसी भी पत्र के उत्तर का जो सीधा प्रारूप होता है उसको तैयार करके और उस रिलेटेड जो भी हमारे अधिकारी है उनको अनुमोदन क्यों नहीं करवा लिया जाता। मतलब कि अगर मान लो, अगर हम ऐसा सोचें कि मान लो कि टिप्पण की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए रहती है क्योंकि देखो किसी भी पत्र के रिगार्डिंग अगर मान लो हमें कोई भी लेटर लिखना है और हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी इसको देख के और हमारे संबंध में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारे निर्देश है, मतलब कि हमारे लेटर का जो भी एक टॉपिक है, जो भी हमने चीज़ को बताया उसको हम डायरेक्टली अपने उच्च अधिकारी से अनुमोदन, उनकी परमिशन को या उनकी जो भी एक हाँ है ना है उनको हम नहीं करवा सकते। तो वास्तव में क्या होता है, इसलिए टिप्पण की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि यदि बाद में किसी निर्णय के सिलसिले में अगर मान लो कोई भी जो निर्णय लिया गया है किसी पत्र के बेस पे, किसी पत्र को देखने के बाद में, समझने के बाद ही उससे रिलेटेड या उसके बेस पे कोई भी निर्णय लिया गया है, तो बाद में जाके इसको हम उसके मान लो कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल उठाया जाता है बाद में कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया था, तो उससे रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं कि उन परिस्थितियों में या कारणों का हवाला दिया जा सकता है जिसके परिणाम जिसके फलस्वरूप जो है ये निर्णय लिया गया था। मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो कि टिप्पण को इसलिए लिखा जाता है, इसलिए इसकी नीड है क्योंकि इसके बेस पे एक तरीके से हमारे पास में प्रूफ है कि कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है किसी भी पत्र के बेस पे तो आगे जाके अगर मान लो कोई भी ऐसा अनवांटेड सिचुएशन आ जाता है तो वहाँ पर हम ये चीज़ को दिखा सकते हैं एक प्रूफ के तौर पर कि ये जो भी निर्णय लिया गया था या जो भी आदेश बताया गया था, जो भी निर्देश उस टाइम पर दिया गया था वो इसके बेस पे गया था, एक तरीके से आपके पास में प्रूफ है। तो इसलिए जो है टिप्पण की ज़रूरत रहती है। इसके अतिरिक्त में भविष्य में उठने वाले कोई भी मिलते जुलते, मान लो हो सकता है कि इन फ्यूचर में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी एक समस्या आ जाती है, कोई भी एक विषय आ जाता है, तो उसके निपटाने के लिए पहले से ही हमारे पास में कुछ टिप्पणियाँ जो है बिल्कुल आधार भूमि रहेगा, मतलब कि हमारे पास में एक तरीके से बेस बना रहेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में पहले से ही कुछ ना कुछ अवेलेबल रहेगा, जिसके अतिरिक्त इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निर्णय लेने वाले अधिकारी को पत्र आदि के संबंध में जो भी समस्याएँ हैं उनके बारे में हम जानकारी जो भी देना हो उसके समस्याओं के बारे में जानकारी हो जाती है, या क्रिया नवीवन के लिए मतलब कि कोई भी जो हमें क्रिया को करना है, काम को जो करना है उसके काफ़ी सारे विभिन्न विभिन्न टाइप्स के, मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप्स के विकल्प ज्ञात हो जाते हैं, हमें पता रहता है कि अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो इसके रिगार्डिंग हमें 4-5 जो भी ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं, इन सभी विकल्पों को हम एनालाइज कर सकते हैं और इसके बेस पर कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ में तीसरा ये भी है किससे जो है निर्णय लेना, मतलब कोई भी जो हमें डिसीजन लेना है ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, सरल हो जाता है कि किसी विकल्प को क्यों चुनना चाहिए। मतलब कि मान लो चार हमारे पास में चार विकल्प है और हमने किसी एक विकल्प को चुन लिया कि हमारे लिए ये ऑप्शन ठीक है, तो ये ऑप्शन ही हमारे लिए क्यों ठीक है, किस कोई दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्यों ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास में बेस है जिसके रिगार्डिंग, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो निर्णय हमने लिया है या ये जो डिसीजन हमने लिया है ये बिल्कुल सही था, यही हमें चुनना था, इनके रिगार्डिंग मतलब कि हमें सारे प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। उसके साथ में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टिप्पण लेखन के सिद्धांत, अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि जो टिप्पण को लिखा जाता है इसका जो पूरा लेखन है इसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले देखो बताया गया है तो इसके जो सिद्धांत है इसके रिगार्डिंग में कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया गया है कि इस तरीके से ही बनाया जाएगा, क्योंकि देखो टिप्पण के महत्व को देखते हुए, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि टिप्पण लिखना भी एक कला है, ये एक आर्ट है, जो मतलब कि एक स्किल है जो कि हर एक पर्सन के पास में नहीं रहती है, और जिनके पास में ये मान लो स्किल है जो कि एक टिप्पण को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं तो इस वजह से उनको एक कला के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर देखो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पर दो विशेषताओं के आधार पर इनको दो वर्गों बांटी जाती है, इनके फीचर्स के बेस पे दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो दे रखा है बहिरंग विशेषताएं और एक है अतरंग विशेषताएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, बहिरंग विशेषताएं के बारे में, और जो बहिरंग विशेषताएं हैं इसके अंदर 13 पॉइंट है और इसके बाद में अतरंग विशेषताएं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो बहिरंग विशेषताएं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मूल पत्र पर टिप्पण की कार्य ना करना,
इसका मतलब ये है कि जो टिप्पण को जिस पे लिखा जाता है वो जो पत्र है वो बिल्कुल मूल पत्र पर नहीं किया जाता है, मतलब कि टिप्पण जो है ये मूल पत्र पर नहीं किया जाता, इसके लिए एक अलग से कागज को निर्धारित किया जाता है। मतलब इसके जो भी हमें टिप्पण को लिखना रहेगा तो सभी कार्यालय के द्वारा एक अलग से पेज बनाया जाता है जो कि स्पेशली टिप्पण के लिए रहता है। तो यहाँ पे देखो जो टिप्पण बनाया जाता है ये बिना लकीर का फुल स्केप कागज होता है, मतलब बिना कोई लकीर रहता है, लेकिन इसके बाईं तरफ में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एक खड़ी लकीर होती है, और किसी भी कार्यालय में टिप्पण कार्य के लिए अगर मान लो कोई भी जो है निर्धारित उन्होंने पत्र को डिसाइड नहीं कर रखा है कि हम इस तरीके के पेजेस को यूज़ करेंगे, तो फिर उस कंडीशन में क्या यूज़ किया जाता है, टिप्पण कार्य जो है बिल्कुल फुल स्केप कागज़ के आकार पर करना चाहिए। और यदि किसी अधिकारी ने, मान लो किसी भी अधिकारी ने मूल पत्र पर ही अपने निर्देश को अंकित कर दिया, किसी मूल पत्र पर ही अपने सारे निर्देश आदेश जो भी उनको बताना है वो अगर उन्होंने बता दिया, तो फिर उनकी प्रतिलिपि मतलब उनकी फोटोकॉपी करवा के और संचिका में पृथक रूप से लगवा देनी चाहिए। कि मान लो अगर उन्होंने गलती से या मान लो जान करके ही अगर उन्होंने मूल पत्र पर ही कर दिया टिप्पण को, और किसी टिप्पण के लिए जो निर्धारित किया गया है पत्र को उस पर अगर नहीं किया गया है, मूल पत्र पर ही कर दिया उन्होंने, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी प्रतिलिपि ली जाएगी, उसकी फोटोकॉपी करवा ली जाएगी और संचिका में अलग तरीके से, पृथक का मतलब होता है अलग से, इसको अलग से जो है लगवा देनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है, आई होप इसको क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि फुल स्केप कागज़ किसको कहते हैं, तो देखो जिस पे अगर हमारे, आपने देखा होगा जो भी आप कॉपी को यूज़ करते हो तो कुछ कॉपी ऐसी रहती है जिसमें सिर्फ आपको एक तरीके से लाइन दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई देगा, या कुछ कागज़ ऐसे रहते हैं जो कि बिल्कुल प्लेन रहते हैं, बिल्कुल वाइट में रहते हैं, कोई भी उस पर लाइन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ साइड में एक लाइन लिखा रहेगा। तो ये फुल स्केप के काफ़ी टाइप्स के आते हैं, आप इसको गूगल पर सर्च करना, आपको काफ़ी तरीके के फुल स्केप कागज़ दिखाई देंगे। तो उसी तरीके से उस, मतलब उस पत्र पे ही, उस जो कागज़ रहता है इसी पर ही टिप्पण को ज़्यादा ज़्यादा लिखा जाता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है पत्राचार का विवरण एवं संकेत करना, कि टिप्पण लिखने से पहले जो टिप्पण करता है, मतलब कि टिप्पण को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, पत्राचार संबंधी मतलब उसको पत्र में जो भी चीज़ को बताना है उससे संबंधित जो भी एक आवश्यक विवरण है, मतलब कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी विवरण है, पूरा उसको देना जरूरी है, बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल देना ही देना है। जैसे कि क्रम संख्या, मतलब कि पेज नंबर हो गया, या बोल सकते हैं कि डिवीज़न के कमीशन जो उनका जो भी एक कमिश्नर है उनका पत्र किस तरीके से है, उनको डेट क्या हो गया, उनका ईयर हो गया, पेज कौन सा है, पृष्ठ कौन सा है, क्रम संख्या मतलब कि कौन सा, मतलब जैसे 1 2 3 हम इस तरीके से लिखते हैं ना जिसको हम बोलते हैं क्रम संख्या, तो क्रम संख्या हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, मतलब इस तरीके से जो भी पत्र से संबंधित जो भी एक आवश्यक सूचना है ये सारी हमें उसमें देनी रहती है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है प्रारंभ में वाद विषय का उल्लेख करना, कि हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, जो भी हमारा वाद विषय है मतलब कि हमारा जो मेन टॉपिक है सबसे पहले हमें उसी को उल्लेख करना है, मतलब उसी को सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में विचारणीय विषय, मतलब उसके बाद में अगर हमें लगता है कि इसमें इससे रिलेटेड कोई भी मतलब बातचीत है जो कि हम इसमें डालना चाहिए, तब उसके बाद में हम उसको दिखाएंगे। इसके साथ ही काफ़ी टाइप के हमारे जो दृष्टिकोण रहते हैं ये विचार करते हुए, मान लो हमने उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ों को सोचा हुआ है, तो अलग अलग तरीके से हम उसको बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हमें अपना सबसे पहले जो है हमारा मेन टॉपिक जो है, मेन पॉइंट जो है, हमें सबसे पहले उसको उसमें डिफाइन करना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अनुच्छेदों को संख्याबद्ध करना, कि हमने अपने अनुच्छेद को उसमें डिफाइन करेंगे हम, तो हमारे जो भी अनुच्छेद है उसको हमें संख्याबद्ध करना, मतलब 1 2 3 करके अच्छे तरीके से संख्या के रूप में दिखाना, मतलब टिप्पण के पहले अनुच्छेद को छोड़कर बाकी जितने भी अनुच्छेद रहते हैं उसमें हमें संख्या के रूप में, जैसे 1 2 3 काउंटिंग करते हैं ना, उस तरीके से हमें संख्या के रूप में उसको दिखाना है, ताकि हमारा जो भी अनुच्छेद है बिल्कुल क्लियर रह सके। इसके साथ में जो भी हमारे आदेश अधिकारी रहेंगे उनको न केवल पढ़ने समझने में सुविधा रहेगी, बल्कि उसको एक तरीके से एनालाइज करने में भी काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इजी रह जाएगा उनके लिए सारे काम को देखना समझना। तो इस वजह से हमें क्या करना, अनुच्छेदों को संख्या बद लेके चलना। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करना चाहिए। मान लो कोई भी आपका टॉपिक है उस रिलेटेड आपको काफ़ी सारा नॉलेज है, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो, उसको 1 2 3 करके डालोगे तो उससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो इस तरीके से टिप्पण को भी ये जो फीचर है, ये जो विशेषता है, ये हमारे टिप्पण में भी देखने को मिलता है।
उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है विषय का उपविभाजन करना, मतलब उपविभाजन का मतलब होता है उसको डिवाइड कर देना बार बार अलग 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 टुकड़ों में, मतलब कि उपविभाजन कर देना, उसको कई तरीके के भागों में बांट देना। तो कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा विषय है, इस पर हम अपने विचार को देखते हुए, हमारे जो भी एक दृष्टिकोण है, जो भी दृष्टियों हैं, उससे विचार करते हुए एक लंबा टिप्पण लिखना जरूरी होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम उपविभाजन कर देंगे, उसको हम सब डिवाइडेड कर देंगे, उसको कई तरीके के भागों में बांट देंगे, जिससे क्या होगा, विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग तरीके से विचार करते हुए लास्ट में जाके, अंत में जाके जो समाधान है ये देना चाहिए। तो इसे थोड़ा सा देखो, टिप्पण को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसको ईजी बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, इस वजह से अट्रैक्टिव बनाना है, इस वजह से ही हमें इन सारे फीचर को लेके चलना है अपने टिप्पण के अंदर। उसके बाद में सिक्स पॉइंट है प्रथम पुरुष का प्रयोग ना करना। अब ये देखो ग्रामर वाली बात है कि यहाँ पे कि सहायक, जैसे कि हमारे कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमारे सहायक शब्द को शब्दों के रूप में आते हैं, जैसे कि आदि हो गए, तो ये हमारे अधिकारियों को टिप्पण लिखते समय प्रथम पुरुष अर्थात मैं, मैंने का प्रयोग जो है इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना है, सही तरीके से कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं करना। इससे पहले हमारी जो हमारी फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड क्लास को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस किया था कि हमें किस तरीके से बातचीत की जाती है व्यावसायिक हिंदी को या कार्यालय हिंदी को। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो बातचीत करने का भी तौर तरीका अलग रहता है कि हम किस से बात कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने फैमिली में बात कर रहे हो तो हमारे एक बोलने का टोन अलग रहेगा, अगर हम किसी अपने जॉब प्लेस पे, स्कूल ऑफिस में या किसी भी कॉलेज में अगर हम अपने किसी भी अपने से बड़ों से बातचीत करते हैं तो हमारा बोलने का टोन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने व्याकरण ग्रामर को ध्यान में रख के बातचीत को करना है। उसके बाद में सेवन्थ पॉइंट है पूरे हवाले देना, कि टिप्पण को लिखते समय पूरे हवाले दिए जाने चाहिए। अगर मान लो एग्जांपल के लिए किसी भी टिप्पण में कोई भी बात को हमने वहाँ पे उल्लेख करना हो तो अमुक पत्र कई जो है स्मरण पत्रों के बावजूद भी, मतलब कि उसमें जो भी हमने, मतलब जो भी चीज़ को हमने उसमें बताया, तो उसमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें उसके स्मरण पत्रों की तिथियों का हवाला देना चाहिए, मतलब उसमें हमने डेट टाइम हो गया या उससे रिलेटेड जो भी एक हेल्प करने वाली जो चीज़ें हैं उन सभी को हमें उसमें देना है, चाहे कोई भी वो तोहफे पत्र की संख्या हो गया, दिनांक हो गया, इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को उसमें लिखना है। उससे क्या होगा कि टिप्पण जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रभावशाली बन पाएगा। उसके बाद में एट्थ पॉइंट है निर्देशों का क्रम पत्रावली के अनुरूप तथा निर्देश टिप्पणी के मार्जिन में रखना। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सके, जितना ज़्यादा संभव हो सके, वहाँ पर क्या है हमें अपने विषय पर एक ही टिप्पणी को लिखनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा टॉपिक एक है और उस पर हम कई सारी टिप्पणी को निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, टिप्पणी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक पर एक ही लिखना है, उसमें जो भी निर्देशों का क्रम दिया गया है उसको उनके क्रम के अनुसार ही चलना है। मतलब जिस तरीके से पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, एक्चुअल में हमें उसी फॉर्मेट के बेस पर, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सारे काम को करना है, जिससे क्या होगा, इसका कारण ये भी हो जाते हैं कि निर्देशों का जब उल्लेख किया जाएगा तो मूल करने में से अधिकारी का जो है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में नाइन्थ पॉइंट है अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने तथा कोई भी तर्क देने अथवा निष्कर्ष निकालने के लिए उदाहरण देना, कि मतलब हम अपने टिप्पणी का जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें कि थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल को या थोड़े से अगर दूसरे चीज़ को, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी टिप्पणी को आकर्षित करती है, मतलब कि अट्रैक्टिव करती है, तो उन सारी चीज़ों को हमें अपने टिप्पणी में शामिल करना है। टिप्पणी से रिलेटेड जो भी सामग्री का मिसिल में होना चाहिए, मतलब कि हमारी टिप्पणी में जो भी हमारे विचारधीन विषय से संबंधित कोई भी मान लो सामग्री हो गया, प्रलेख हो गया, पत्र हो गया, इन सभी को हमें क्रम में लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि टिप्पणी में संदर्भित किए गए हो। और साथ में हमें टिप्पणी में संदर्भ देना है कि कौन सा चीज़ हमने कहाँ पर लगाया है, क्यों लगाया है, ये किस तरीके से लगाया, इन सभी के बेस में हमें थोड़ा सा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है हमें उसमें चीज़ को लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है नैमी टिप्पणी का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी होने पर ही करना। मतलब कि टिप्पणी के में भी देखो कई सारी चीज़ें रहती है, तो यहाँ पे जो पत्रावली के जो साथ में जो नैमी टिप्पणी रहते हैं इसको हमें मतलब कम से कम यूज़ करना है, या जब भी यूज़ करना है तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अथवा अन्य कोई ऐसे कागजात नहीं भेजने चाहिए जिससे ध्यान बटने की संभावना हो सके। कि मान लो कोई भी हमें उसमें फालतू चीज़ें नहीं जोड़ना है, जिससे क्या है कि हमारा टिप्पणी कम इफेक्टिव हो सके।
इसके साथ में हमें स्याही से लिखना है, मतलब कि हमें स्याही को यूज़ करना है, जिससे क्या होगा हमें टिप्पणी जो हमारा है वो ज़्यादा सही तरीके से दिखाई देगा, प्रॉपर तरीके से, या फिर कोई भी टाइप की हुई होनी चाहिए कि या तो उसको हम कंप्यूटर बेस्ड लेके चले टाइप करते हुए, या तो हमें उसको स्याही मतलब कि पेन से यूज़ कर सके, इस तरीके से होना चाहिए। लास्ट में जाके है संयम भाषा का प्रयोग, कि हमें क्या करना है हमेशा अपने सही, एक तरीके से ये कह सकते हैं हमें सही भाषा का यूज़ करना है, कोई भी ऐसा नहीं जैसे कि अभी हमने देखा था कि प्रथम पुरुष का यूज़ नहीं करना है, ये काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि हमें अपने टिप्पणी में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम अपने लैंग्वेज का ध्यान में रखना है, सही शब्दों को यूज़ करना, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखना है जिसमें हमारी ग्रामर मिस्टेक निकले, या जिसमें अगर हमने कोई भी बोल दिया तो सामने वाला पर्सन को बुरा लगे। इस तरीके से किसी भी भाषा का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल हमें पोलाइट होकर काम को करना है, बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ों को बताना है, ताकि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा हमसे प्रभावशाली हो सके और हमारे रिगार्डिंग हमारी जो भी प्रॉब्लम है या हमने अपने पत्र में जो भी हमने टॉपिक को बताया वो हमारा समझ सके और उसके रिगार्डिंग वो अपना निर्णय बता सके। तो ये पूरा था हमारा बहिरंग विशेषताएं के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट अतरंग विशेषताएं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इससे आगे जितने भी टॉपिक है उन सभी को हम अपने पार्ट टू की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही क्लासेस के बीच में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो गया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी, जिससे आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में कोई भी आंसर लिख के आओगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेंगे और हमेशा एक बेहतर तरीके से अपने लाइफ में आगे की तरफ जाओगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताने क्लासेस आपको कैसे लगी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं काफ़ी सारे क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तो क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसको शेयर ज़रूर से कर देना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।